सुजानगढ़ में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से आम आदमी और व्यापारियों में रोष व्याप्त है। वहीं अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मुख्य बाजार गांधी चौक स्थित जेडीजे ज्वेलर्स की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे दुकान पर लगे कांच का गेट बिखर गया। वहीं सुरक्षा गार्ड के कंधे के नीचे हाथ पर गोली लगी। गत माह की 28 तारीख को जेडीजे ज्वेलर्स के मालिक पवन सोनी से फोन पर धमकी देकर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। धमकी देने वाले रोहित गोदारा ने कहा था कि वह लॉरेंस विश्नोई गुट का आदमी है, उसी को लेकर पवन सोनी ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके चलते पवन सोनी को पुलिस ने सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाया था, जिसके हाथ पर गोली लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 3 हमलावर थे, जिसको राहगीरों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और 2 हमलावर भागने में सफल हो गए। सूचना पर मौके पर डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई मय जाब्ते के पहुंचे और शोरूम को बंद करवाकर मालिक पवन सोनी से पूछताछ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए चूरू एसपी रमेश कुमार मीणा ने सदर थाना पहुंचकर घटना की जानकारी ली और कहा शीघ्र ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जांच अभी जारी है। और वो था मौजूद तो भी बड्डा रुक गई नहीं सर, बिल्कुल और भी जो भी आपकी सारी बातें हैं ये बहुत अच्छा है, हमेशा हर मामले में सुरक्षा के बारे में सुन रहा हूँ। ये सभी स्टाफ जो भी आता है अच्छे से अभी बोल रहा हूँ, ये सर रहे भाई साहब आज दिन में जो ये फायरिंग की घटना हुई है उसमें मौके से जो आरोपी पकड़ा गया है उससे पूछताछ कर रहे हैं और बाकी अलग अलग जगह टीमें बना के सभी की तलाशी की है। पूरे जिले में और आसपास के जिलों में भी नाकाबंदी करके आरोपियों को जल्दी ही पकड़ कौन आरोपी पकड़ा गया है और इससे क्या सामने है इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बता दूंगा। सर सुजानगढ़ का जो कोतवाली थाना शहर से काफी दूर है, आपसे व्यापारियों ने भी मांग की थी उस थाने को इधर शिफ्ट किया जाए बाजार के लिए, इस संदर्भ में किस तरीके से कार्य किया जाए? बिल्कुल, ये पहले से ही समस्या ध्यान में है, जो अभी तो सदर थाना अंदर है उस वजह से बाकी जो और जगह है जहाँ अस्थायी चौकी भी स्टार्ट कर सकते हैं अभी, और उसके बाद आगे के जो समाधान। सर 2 महीने पहले रोहित गुदरा गैंग का नाम आया था, धमकी भी दी थी, इसमें यही गैंग है या और किसी का भी? इसमें इस आरोपी और बाकी अन्य जो जिनको पकड़े जाना है उनसे पूछताछ करके और इसके बारे में क्लियर किया जाए। कोई सर हथियार भी डिटेल किया गया? हथियार इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बातें बता दें। चलो हम जेडीजे के अंदर थे शॉपिंग के लिए, अचानक 2-3 लोग आए, 4 बजे के आसपास का टाइम था और फायरिंग करने लगे, और पहले तो हमने सोचा कोई पटाखे छोड़ रहे हैं, फिर कंटिन्यू हुई तब हम अंदर लेट गए, मेरे पास से बिल्कुल पास से गोली निकली तो दहशत के मारे सारे के सारे इधर उधर छिप गए, लेकिन बच गए, ये बात है सारे। मैं, मेरी 2 सिस्टर और मेरे घर से। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश। कहीं लगी तो? लगी नहीं, बच गए भगवान। कितने फायर हुए थे? कम से कम 15 फायर हुए हैं। हिंदू है और मैं लमसम 4 बजे के आसपास थी तो हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पीठ वाली खड़ी थी तो सब कह रहे कि छुप जाओ नीचे बैठ जाओ, तो मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो देखा तो इनके मेरे हस्बैंड के पास से गोली गई और फायरिंग हो गई।